क्या आपको पता है कि जो ट्रैक्टर का आगे वाला टायर होता है वो छोटा क्यों होता है, या फिर क्वेश्चन ये है कि पीछे वाला इतना बड़ा सा क्यों होता है? क्या इसके पीछे कोई रीजन है? अगर सेम साइज का टायर दे दें तो क्या ट्रैक्टर अपना काम करना बंद कर देगा? तो हाँ, अपना काम करना बंद कर देगा और जो खेत जैसे मिट्टी वाले इलाके में अपना ऐसे रॉप जमाता है वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्यों? वो इसलिए क्योंकि जो ट्रैक्टर का पावर जनरेट करता है वो करता है पीछे वाला व्हील, बड़ा व्हील, बट आगे का व्हील जो छोटा है, ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो कि बहुत मस्त है और इसी के चलते आज तक यही सिस्टम ट्रैक्टर का होता आया है, पीछे बड़ा आगे छोटा। क्यों? क्योंकि पहली बात, पीछे के बड़े टायर का जो सरफेस होता है वो बहुत बड़ा होता है और मिट्टी का एक बड़ा एरिया कवर करता है, और बड़ा एरिया कवर करने के चलते धंसता नहीं है क्योंकि वो बहुत चौड़ा होता है और ज्यादा पावर अचानक से जनरेट करने के काबिल होता है। और आगे में भी अगर बड़ा टायर दे दें तब दिक्कत हो सकती है, बट आगे में जो छोटा टायर होता है उससे क्या होता है कि ट्रैक्टर का जो स्टीयरिंग होता है वो बहुत आसान हो जाता है, स्टीयरिंग हार्ड नहीं होता। दोनों टायर का साइज अगर सेम कर दिया जाए तब ट्रैक्टर का सरफेस एरिया और बढ़ जाएगा, पावर और मिल जाएगा, बट स्टीयरिंग करने में, टर्न करने में बहुत दिक्कत होगा ट्रैक्टर को, तो इससे बहुत फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। तो छोटे टायर के चलते फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है ट्रैक्टर को और बड़े टायर के चलते उसको पावर मिल जाती है ताकि वो कितना भी लोड उठा के चल सके और किसी भी सतह पे, चाहे वो खेत हो या फिर कोई भी मिट्टी वाला सतह हो, गीला मिट्टी वाला सतह हो, उससे बाहर निकल सके। तो इसलिए ट्रैक्टर ट्रैक्टर होता है।